Hello, my dear student, welcome to KK Chuhan Vision. Today we are going to do the diversity in living organisms part 4. Yesterday we left our topic at Mollusca, Anilida, and Arthropoda. Today we will start our topic from here the silomic organisms on the behalf of an uh, notochord divided into two main parts two main groups the organisms which uh, do not have notochord are called echinodermata let's read about the echinodermata echinodermata इन ग्रीक इकाइनो मीन्स हैज़ and एंड डरमा मीन्स स्किन दीज आर स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स इनकी जो स्किन होती है उन पर जो है वो जैसे जैसे स्पाइंस होते हैं ना कांटे होते हैं ऐसी होती है दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मेराइन एनिमल्स समुद्र में पाए जाते हैं दे आर ट्रिपलो एंड हैव ए सिलोमिक कैविटी और इनमें सिलोमिक कैविटी होएगी ट्रिप्लोब्लास्टिक होएंगे। दे आल्सो हैव ए पेकुलर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम इनमें एक जो जल को पानी को ले जाने के लिए एक बहुत ही खास पेकुलर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम पाया जाता है बहुत ही अच्छा ठीक है पैकुलस बहुत ही विशेषताओं से भरा हुआ एक जल को अंदर लेके जाना और अपनी बॉडी कैविटी के अंदर और उसको बाहर निकालना ये सिस्टम होता है दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर एंड दे यूज एज ए स्केल्टन एग्जाम्पल इनका हम लेंगे स्टारफिश सी अर्चिन दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ echinodermata okay starfish is commonly uh, main uh, example of the echinodermata now we will read about protochordata what are protochordata we will discuss from here through the, through this table The organisms which contain notochord or notochord is present these animals or organisms are known as chordata. Chordata main group is divided into two main part uh, into pro, uh, notochord present. इन एटलीस्ट लार्वल फॉर्म बट वेरी रूडिमेंट्री अगर उनमें नोटोकोड तो पाई जाती है नोटोकोड तो प्रेजेंट है तभी तो कोर्डेटा में हमने इसको लिया हुआ है पर नोटो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी कौन सी स्टेज में पाई जाती है अगर तो लार्वल स्टेज में पाई जाती है और वो भी रूडिमेंट्री है मीन्स अवशेष के रूप में पाई जाती है तो उसको हम प्रोटो कोरडेटा कहेंगे और अगर वो नोटोकोड जो है वो रिप्लेस हो जाती है नोटोकोड है पर वो रिप्लेस हो जाती है किसके द्वारा वर्टिबल कॉलम के द्वारा एडल्ट्स में आकर तो उसको हम वर्टिब्रेट्स कहेंगे इसकी जानकारी हम बाद में पढ़ते हैं पहले इसको प्रोटोकोल डेटा को पढ़ते हैं प्रोटोको डेटा क्या होते हैं तो प्रोटोको डेटा प्रोटोको डेटा दीज एनिमल्स आर बायोलेट्रली सिमेट्रिकल तो अगर बीच में से काटते हैं तो ये दोनों बराबर पार्ट्स में डिवाइड होंगे टिप्लोब्लास्टिक एंड हैव ए सिलोम, इन एडिशन दे शो ए न्यू फीचर्स ऑफ बॉडी डिजाइन नेमली ए प्रो नोटोकॉड एट लीस्ट एट सम स्टेजेस ड्यूरिंग देअर लाइफ उनके जीवन की किसी ना किसी स्टेज में कम से कम एक स्टेज में तो जरूरी नोटोकॉड हमें दिखाई देगी नोटोकॉड इज ए लॉन्ग रोड लाइक स्पोर्ट स्ट्रक्चर एक लंबी स्ट्रक्चर पाई जाती है और जो आ, उसकी बैक में मिलती है ऑर्गेनिजम्स के ठीक है दैट रन्स अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल्स सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट जो मेन हमारी जो आहार नली होती है ना जो मेन गट होती है फूड पाइप जो होती है हो उससे जो नर्वस सिस्टम है उसको अलग करती है इट प्रोवाइड्स ए प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मोमेंट आसानी से चलने के लिए मसल्स को भी जो है वो अटैच करती है प्रोटोकॉडिट्स मे नोट है प्रॉपर नोटोकॉड प्रजेंट एट आर स्टेज इन देअर लाइफ उनके जीवन की सभी स्टेज में ये जो नोटोकोड है वो प्रजेंट नहीं होती किसी एक स्टेज में हमें मिलेगी एंड और फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल प्रोटोकोडेट्स आर मेराइन एनिमल्स ये नोट करने वाली बात है और एग्जाम्पल इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं बेलनोगलोसिस हार्डमेनिया ये इसके एग्जाम्पल है ये बेलनोगलोसिस की पिक भी दिखाई हुई है ठीक है आपने पिक नहीं बनानी है आपने इसको ऐसे याद करना है अब आ गया वर्टिब्रेट्स दीज एनिमल्स हैव ए टू वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्कैल्टन अलाउंग अलाउंग ए कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स अटैचमेंट पॉइंट पॉइंट्स टू बी यूज फॉर मूवमेंट वर्टिब्रेट्स आर बाई सिमेट्रिकल ठीक है बीच में से काटेंगे तो बराबर होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन लेयर्स के बनी होती हैं सुलोमिक सुलोम पाई जाती है और सेगमेंटेड इनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है मीन्स हेड uh, और एबडोमन और टेल वाले पार्ट में इसका होगा डिवाइडेड होगी विद कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गेंस इसमें बॉडी टिश्यू और ऑर्गन्स का भी डिफ्रेंशिएशन हमें बहुत क्लियरली दिखाई देगा आल कॉर्डेट्स प्रोसेस द फॉलोइंग फीचर्स उनमें क्या क्या हमें दिखाई देगा जो हमने अब पढ़ना है तो फर्स्ट उनमें सभी में नोटो कोड जो है वो प्रेजेंट होएगी और उनमें डोर्सल जो है एक डोर्सल नर्व कोड भी पाई जाएगी टिप्लो ब्लास्टिक होंगे और पेयर्ड गिल पाउचेस इसमें पाए जाएंगे और सिलोमेट होंगे ठीक है सिलोम वाले तो है ही है हमें पढ़ा हुआ है वर्टिब्रेट्स की ज़्यादा स्टडी करने के लिए हम इनको फाइव क्लासेस में डिवाइड करेंगे ठीक है नाउ वी विल गेट ए ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट वर्टिब्रेट्स थ्रू दिस टेबल वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रुप एंड फर्स्ट ग्रुप वी विल नो कोमलीस ग्रुप और फिशस ग्रुप इनमें इनकी जो बोन्स जो है एक्सोस्केल्टन जो है वो बोन का बना है कार्टिलेज का होगा ब्रीथिंग जो है वो गिल्स के द्वारा होगी ठीक है इनकी स्किन जो है स्केली होगी एम्फीबियन जो है वो लार्वा स्टेज में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होगा पर जब एडल्ट हो जाते हैं तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा और इनकी स्किन जो वो मॉइस्ट और स्लिमी होएगी रेप्टीलिया में आएंगे तो देखो थोड़ा और ग्रोथ हो जाती है इसमें क्या होता है कि स्किन जो है एक्सोस्केल्टन जो है वो स्केल तो है इस पर साथ ही ये एग देते हैं और वाटर से बाहर भी ये तो वाटर के अंदर ही हमें मिल रहे थे एम्फीबियन वाटर से लैंड ओर आ रहा है ठीक है और उसके बाद ये कंप्लीटली लैंड लैंड पर है कुछ इसकी जो है जो जैसे क्रोकोडाइल है वो थोड़े टाइम के लिए वाटर में भी जाता है ठीक है और टोटोइ जो है वो भी आ, इसमें वाटर में जाता है एक्सोस्केल्टन जो है इसका अगर हम एविस का पढ़ें तो एक्सोस्केल्टन जो है वो फैदर का बना हुआ है देखो स्केल से किस भी आ गया? फेदर में आ गया फैदर में आ गया फैदर्स का बना होता है और ये भी एग देते हैं और पानी से बिल्कुल ही बाहर है और ये एयर में उड़ सकते हैं फ्लाई कर सकते हैं और उसके बाद हम जब मेमेलिया ग्रुप की ओर आती है तो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है एक्सोस्केल्टन जो है फैदर से ख़त्म होकर हेयर में बन जाता है एक्सोस्केल्टन और इनमें एक्सटर्नल ईयर्स बन जाते हैं ठीक है और ये अब एग के द्वारा नहीं यहाँ पे तो यहाँ पर क्या होता है ये बच्चों को जो है गिविंग बर्थ टू तो लाइव यंग तो ये मेमेलिया तो हम यहाँ से शुरू करते हैं पाइसिस का फिर एम्फिबिया पढ़ेंगे, फिर रेप्टीलिया, एविस एंड मेमिलिया लेट स्टार्ट पाइसेस पाइसेस दीज आर फिश एंड दे आर एक्सक्लूसिवली एकेटिक एनिमल्स देर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स और प्लेट्स हम कहते हैं जैसे ये ये फिश है ठीक है सॉरी तो ये फिश ओके okay. इनकी स्केल जो स्किन जो है वो स्केल से ऐसे ऐसी होती है स्किन ठीक है ये अपने देखा है ना तो ऐसे स्केल्स इसमें पाए जाते हैं दे ऑबटेंड ऑक्सीजन कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं डिजोल्व इन वाटर थ्रू गिल्स के द्वारा लेते हैं द बॉडीज स्ट्रीम लाइंड एंड ए मस्कुलर टेल इज़ यूज फॉर मोमेंट तो मैंने आपको ये स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी इनकी ये स्ट्रीम लाइन स्ट्रक्चर है और इनकी ये टेल जो होती है ये भी मोमेंट में हेल्प करती है दे आर कोल्ड ब्लडेड ठीक है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं एंड दे आर हार्ट हैव ओनली टू चैम्बर्स हार्ट में ओनली टू चैम्बर वन इज oracle upper is auricle and lower chamber is known as ventricle and uh, they uh, they lay eggs and they can think of many kind of we can think of many kind of fish some with skeletons made entirely of cartilage. सच है शार्क एंड सम विद स्केटन मेड ऑफ बोथ बोन का भी बना हो सकता है कार्टिलेज का भी बना हो सकते हैं जैसे ट्यूना रोहू ये जो हैं फिशेस इनका जो स्केल्टन है वो बोन का और कार्टिलेज दोनों का बना होता है पर जो कुछ जैसे शार्क है उसका कार्टिलेज का ही बना होता है ये स्केल्टन जो है कार्टिलेज जो है वो बोन से थोड़ी फ्लेक्सिबल uh, होती है बोन तो फ्लेक्सिबल नहीं ना होती बोन को हम मोड़ नहीं सकते तो कार्टिलेज जो होती है उनको हम मोड़ सकते जैसे हमारे कान का जो पिन्ना है ना ईयर पिन्ना उसमें नोज़ में ये कार्टिलेज पाई जाती है ठीक है तो ये फिशेस के कुछ एग्जांपल्स दिखाए हुए हैं ठीक है थीके? तो फिशेस के नेम भी आपको याद करने चाहिए वैसे तो ठीक है तो ये फिशेज है जिनकी जो बोन की बनी होती हैं और कहीं की कार्टिलेज की भी और बोन की भी स्कल्ट बना होता है ये कुछ और फिशेस के एग्जांपल हैं उसके बाद हम चलते हैं एम्फीबिया ग्रुप की ओर एम्फीबिया और एम्फीबियंस दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम द फिशेस इन द लैक ऑफ स्केल्स एम्फीबियन की स्किन पर स्केल्स नहीं होते इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन उनकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं आपने देखा होगा फ्रोक फ्रोक की स्किन जो है वो आ, उस पर म्यूकस चिपचिपासा होता है ना ए एंड ए थ्री चैम्बर्ड हार्ट फिश में हमने टू चैम्बर्ड पढ़ा था तो इसमें एम्फीबियन में आते हैं तो थ्री चैम्बर्ड हार्ट हमें मिलता है दो औरकल एंड एक वन लेफ्ट वेंटिकल एंड रेस्परेशन इज थ्रू आइदर गिल्स और लंग्स जब एम्फीबियंस जब फ्रॉग जो है वो पानी में होता है तो गिल्स के थ्रू भी वो रेस्परेशन कर सकता है पर जब लैंड पर होता है तो वो लंग्स के थ्रू रेस्परेशन करता है तो एम्फीबियंस देस दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड फ्रॉग इज फ्रॉग्स टोर्ड्स Salamanders are few examples of amphibians. ये इनकी पिक दिखाई हुई है हाइला भी एक फ्रोक की ही फॉर्म है जो ट्री पर मिलती है हमें ठीक है और टोड भी फ्रोक जैसा ही है उसके बाद हम आगे रेप्टीलिया पर रेप्टीलिया जो है these animals are cold-blooded, ये भी cold-blooded होते हैं फिशेस भी कोल्ड ब्लडेड थी एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड थे रेप्टीलिया भी कोल्ड ब्लडेड है एंड हैव स्केल्स इन पर भी स्केल्स होते हैं ब्रीथ जो है वो लंग्स के द्वारा होता है आपने देखा एम्फीबियन में आ, र, आ, जो पाइसिस फिशेस थी उनमें तो लंग्स के थ्रू था ठीक है केवल लंग्स के थ्रू जब हम एम्फीबियंस में आए तो हमने देखा कि एम्फीबियंस में गिल्स के थ्रू भी हो रहा है और लंग्स uh, के थ्रू भी हो रहा है पर जब हम रेप्टीलिया में आते हैं तो रेस्पिरेशन uh, जो है वो ओनली लंग्स के थ्रू ही हो रहा है वाइल मोस्ट ऑफ देम हैव ए थ्री चैम्बर हार्ट इनमें हार्ट जो है वो थ्री चैम्बर्स का होगा दो ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल बट क्रोकोडाइल हैव फोर हार्ट चैम्बर क्रोकोडाइल में फोर हार्ट चैम्बर बन जाते हैं और वो चैम्बर उसको हम क्या बोलते हैं टू ऑरिकल्स एंड टू ट्रिकल्स ओके एंड देग्स विद धो कवरिंग एंड डू नाट नीड टू ले देर एग्स इन वाटर तो ये जो एग है वो उनके ऊपर एक अच्छा कवरिंग होती है और उनको जो एग है उनको एग्स को वाटर में देने की ज़रूरत नहीं है जैसे एम्फीबियस देते हैं तो स्नेक्स जो है इसका एग्जाम्पल लीजर्ट टर्टल्स रोकोडाइज इसके एग्ज़ाम्पल्स है अब हम ये कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हुए हैं ठीक है फ्लाइंग रिजल्ट अब हम आते हैं एविस दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स अभी तक कोल्ड ब्लडेड थे फिशज का भी कोल्ड ब्लड था एम्फीबियंस का भी रेप्टाइल्स का भी बट एविस जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स आगे और उनका हार्ट जो है वो फोर चैम्बर्स का मिलेगा और वो एग देंगे और इन एग पर एक जो इनके जो बॉडी है उन पर फैदर पाए जाएंगे और एंड टू फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लाइट्स जो फोर लिम्स है ना आगे वाले जो दो हा पै फॉर बोलते हैं उसको आगे वाले जो दो हाथ होते हैं वो पंख में फ्लाइट्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं दे ब्रीथ थ्रू लंग्स वो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं और बर्ड्स जो हैं आल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी ठीक है इस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है कोई भी बर्ड की बात करेंगे हार्ट फोर चैम्पर का मिलेगा लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा और जो है एग देंगे एग पर एक अच्छी कवरिंग मिलेगी आपको कैल्शियम कार्बोनेट का इनका जो कवच है वो ऐसे मिलेगा और फोर लिम्स जो होती हैं वो इसमें पंख में डिवाइड हो जाती है और जो हाइंड लिम्स है वो चलने का काम करती है ठीक है उसके बाद आ गया मेमलिया ग्रुप मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एवीज़ आर आल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड बेमल्स आल्सो हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट दे हैव मेमरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देअर यंग जब बेबी होता है तो उसको मिल्क पिलाती हैं मदर एंड देयर स्किन हैज़ हेयर अफेदर ख़त्म हो गए हैं क्या शुरू हो गया हेयर शुरू हो गए और स्किन पर स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स भी मिलती है एवी में भी मिलती है ऑयल ग्लैंड उनकी टेल में ही होती है ऑनली मोस्ट मैमल्स फेमिलियर टू अस प्रोड्यूस लाइव यंग वन जितने भी मैमल्स को हम देखते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं एगनी देते हैं हाउ एवर ए फ्यू ऑफ देम लाइक प्रेटिपस जो है वो एग देता है और इकाइनो एकेड जो है वो भी एग देता है ठीक है कंगारू जो है वो बच्चों को बर्थ तो देता है पर वो बच्चा जो है वो पूरा डेवलप नहीं हुआ हो होता तो फिर उसको वो कहाँ पे रखता है अपने पाउच में रखता है ठीक है तो पुअरली डेवलप्ड यंग वन को जन्म देता है फिर उसको वो अपने पाउच में रखता है जब तक पूरा वो डेवलप नहीं हो जाता ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे मेमल्स ग्रुप के And uh, now we will uh, ready for the few questions from this lesson. Uh, I think you will be able to answer this question easily and uh, questions are how do polypherian animals differ from cy uh, animals? Uh, we, uh, uh, can find this answer from the part of, of uh, this lesson, part third. From the part third, poriferians uh, we know poriferians uh, are uh, uh, simplest uh, multicellular animals, while cilantrates uh, are complex animals, and poriferians bear pores all over the body and uh, have flat rounds. और ब्रांच्ड शेप लाइक जैसे वैस होता है वैसी की शेप मिलेगी जबकि से होते हैं उनमें टेंटिकल्स मिलते हैं इनमें टेंटिकल्स नहीं होते हैं इनमें टेंटिकल्स होते हैं इनमें पोर्स होते हैं इनमें पोर्स नहीं होते हैं ठीक है और इसका एग्जांपल पोरीफेरिन का एग्जांपल हमने पढ़ा था स्पॉन्जिला साइकॉन और इसमें इसका एग्जाम्पल हमने सिलेंट्रेटा में पढ़ा था हाइड्रा तो ये और डिटेल में करने के लिए आप पार्ट थर्ड जो है वहाँ से आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने डिटेल में कराया हुआ है हाउ डू एनी लीड्स एनिमल्स डिफर फ्रॉम आर्थोपोट्स ये भी इसका आंसर भी आपको पार्ट थर्ड से ही मिलेगा तो एनी लीड्स जो है इसका मैंने एग्जाम्पल आपको कराया था वो अर्थवाम तो आपने देखा था एनी लीड्स जो है अगर दोनों का दोनों का कंपेयर करते हैं आर्थोपोड्स और एनीिलीड्स को कंपेयर करते हैं तो एनी का जो फाइलम है वो थोड़ा छोटा था ठीक है आइलम इट इज़ द स्मॉलेस्ट फाइलम और आर्थोपोड इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम और एनीलीड्स की बॉडी जो होती है दे आर सेगमेंटेड एक्सटर्नली बाहर से हमें सेगमेंट दिखाई देते हैं पर इंटरनली नहीं होते बाहर से दिखाई देते हैं हमें बट जो आर्थोपोड्स होते हैं इनकी जो बॉडी जो होती है वो इंटरनली भी सेगमेंटेड होती है और इनकी बॉडी जो होती है वो तीन मेन पार्ट में डिवाइडेड होती है हेड फिर उसके बाद एब्डोमन एंड फिर उसके बाद टेल ठीक है और इनमें जो एनीड्स होते हैं उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जबकि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ये बाई सेक्शुअली सेक्शुअल होते हैं और ये यूनिसेक्सुअुअल होते हैं और डिटेल के लिए आप इन दो क्वेश्चंस के लिए आप पार्ट थर्ड दिखोगे तो आज के पार्ट में से ये दो क्वेश्चंस हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स एम्फीबियंस हमने अभी पढ़ा है प्रोग जिसमें हमने पढ़ा था ठीक है एम्फीबियंस एम्फीबियंस की बॉडी पर स्केल्स नहीं होते हैं रेप्टाइल्स पर होते हैं ठीक है और एम्फीबियंस जो होते हैं वो वाटर में फ्रेश वाटर में और मोइस्ट लैंड पर दोनों जगह पर मिलते हैं दे लिव इन और नीयर फ्रेश वाटर एंड मोइस लैंड बट रेप्टाइल्स लिव ओनली ऑन लैंड दिस इज द मेन डिफ्रेंस एंड एम्फीबियंस बॉडी Uh, uh, lacks uh, scales, but uh, the reptiles' body have scales or respiration occur uh, through uh, gills, lungs, and moist skin in amphibians. But reptiles uh, can respire through lungs, and uh, we can uh, uh, also write uh, amphibians. Uh, can move their eyelids, eyelids, but reptiles cannot do so. Amphibians are cold blooded while reptiles are warm blooded. Okay, now we will do the last question of this topic what are the differences between animals belonging to Avis group and the those in the mammalia group? we know avis uh, the, the, the body of avis is covered by feather while the body of body of mammalia is covered by hair avis lay egg avis lay eggs while mammalia give birth to their young ones teeth are absent in the beak of avis, while teeth are present in the mouth of mammalia, and uh, their bones are uh, air cavity in avis. Okay, uh, air cavities are present in the bone of uh, avis, while air sacs are not present in the बोन्स ऑफ मेमेलिया एंड एविज रेस्पाई थ्रू लंग्स एंड मेमेलियापाई थ्रू लंग्स ओके एंड एवीज दे हैव वेव लाइक बॉडी ओके आगे से थोड़ा छोटा बीच में से मोटा और इसको हम वेव लाइक बॉडी बोलते हैं ठीक है वाइल मेमेलिया हैव नॉट वेव लाइक बॉडी एंड हाउ वाज द टूडेज वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू